हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है या इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अगर हम इस प्रकार जोड़ें कि वह सभी कंप्यूटर एक दूसरे के डाटा को उपयोग में ले पाए, तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का किया हुआ कनेक्शन नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट इस तरह के कई सारे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। विंडकर्फ को इंटरनेट का पिता महा कहा जाता है। इंटरनेट की जो शुरुआत है वह 1969 में अरपा के द्वारा की गई थी। अरपा अमेरिका का एक रक्षा अनुसंधान जिसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था है। इसने कैलिफोर्निया तथा स्टैंडर्ड विश्वविद्यालय को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम उन्होंने अर्पानेट रखा। यह दोनों विश्वविद्यालय एक दूसरे को सूचना देने में इस प्रकार के नेटवर्क को काम में लेते थे। तो अर्पानेट के द्वारा नेटवर्क की शुरुआत की गई थी, जो वर्तमान में काफी विस्तृत रूप लेकर आज इंटरनेट का रूप इसने ले लिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमको डाटा भेजना और प्राप्त करना बहुत आसान और सुलभ हो गया है। हम कहीं से भी के सर्वर पर पड़ा हुआ डेटा बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।